नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांटे की टक्कर में बीजेपी ने बाजी मारी है, तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर आपको बता दें कि संगीता गुप्ता ने सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा को हराया है। बड़ी जानकारी, जहां पर देर रात तक मतगणना चलती रही और जिसके बाद बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है, एक पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी विजयी रहे। ज्योति खुड़िया से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 2 सीटों पर सपा का कब्जा रहा है, तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर कांटे की टक्कर के बीच में निकाय के परिणाम देर रात घोषित किए गए हैं। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर कांटे के टक्कर में बीजेपी ने बाजी मारी है। संगीता गुप्ता ने सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा को हराया है। देर रात तक मतगणना चली, जिसके बाद नतीजे सामने आए, जहां पर 10 सीटों पर में से बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का खेमा इन दिनों काफी उत्साहित है। वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं, अब 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां वह जनता दरबार लगाकर फरियादियों की पुकार सुन रहे हैं और अपने साथ में मौजूद उच्च अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निदान करने के लिए भी आदेशित कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जो फरियादियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हो या किसी विभाग के अधिकारी हो, ऐसे अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो निकाय चुनाव के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी, जहां पर उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ सभी को आदेश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, साथ ही साथ जो भी कोताही बरतते हैं अधिकारी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं, जो जिन्हें समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए जा रहे हैं। सीएम योगी इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, जिसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और साथ ही साथ इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को भी उन समस्याओं को निपटाने के आदेश दिए गए हैं। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी विभाग के अधिकारी अगर कोताही बरतते हैं, तो किसी भी तरह से कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा।
ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार्यक्रम जहां पर सीएम योगी ने फरियादों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मौके पर सीएम योगी के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, जिनको सीएम योगी मौके पर ही फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को आदेश भी दे रहे हैं। इस दौरान साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से लोगों की समस्याएं, अगर कोई भी विभागीय अधिकारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है और अपने काम में कोताही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रंजीत राठौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी रंजीत, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली है, सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं। कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से कल भारी जीत मिली है। नगर निकाय चुनावों में 17 के 17 नगर निकाय में मेयर होते हैं, वो सारे 17 के नगर निकाय मेयर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस रखी थी, जहां एक वो विपक्षी पार्टी के नेता इस भारी धूसर गर्मी में एसी कमरों से, एसी गाड़ियों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। आप देख सकते हैं आज भी बहुत विशाल का गर्मी, भारी गर्मी में हम लोग विधानसभा के सामने से लाइव कर रहे हैं। इसी सिलसिलाती क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार अपना भ्रमण जारी रखा। भीषण गर्मी में वो जनसभाएं करते रहे, जनता को संबोधित करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों से जन जन को अवगत कराते रहे। इसी का यह परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया है। इसी के चलते इस सहर्ष खुशी से आज मुख्यमंत्री जी काफी गदगद थे। लखनऊ से वो गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर में वो जनता दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर फरियादियों की पुकार को सुन रहे हैं। उनके साथ वहाँ पर काफी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उनको वो समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। तथा उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि जो भी अधिकारी हिला हयानी करता है, जो भी अधिकारी फरियादों की समस्याओं को नहीं सुनता है, जो भी अधिकारी जन समस्याओं को निराकरण को लेकर जो है इस समय जिलता बरत रहा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वह स्वयं जो है एक कमेटी बनाकर जो है निगरानी करेंगे। और पहले भी वार्ता कर चुके हैं, क्योंकि आपको कुछ जानकारी होगी कि कुछ समय पहले कई आईपीएस अधिकारी और कुछ आईएएस अधिकारी, इसके अलावा कुछ पीसीएस अधिकारी और कुछ सीसीएस अधिकारी, ये सब कुछ जेल में है, ये लोग जेल में सड़ रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था इस सरकार ने, उनको सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस हुआ करते थे लखनऊ, यही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी इनका पद और चीजें ना देखते हुए इनको भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं 96 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में अपना दल भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। अपना दल के प्रत्याशी रिंकी कोल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को 9,589 वोटों से हराया है। इस पर उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय मैं अपने परिवार और जनता को दूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी जनता लगातार हमारे साथ खड़ी रही, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहा और जनता की ताकत से मैं चल पाई हूं। मैं चलने लायक नहीं थी, जनता का असीम आशीर्वाद है कि मैं चुनाव जीत गई। जो वो अधूरे कार्य को पूरा करना चाहते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। जिसका श्रेय मैं पहले अपने गायक जी को दूंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद था और साथ हमारी जनता जो एकदम बराबर हमारे साथ खड़ी रही और उनका आशीर्वाद बना रहा हमारे साथ चले, ताकि उन्हीं के ताकत से ही हम जो है चल पाए। तो हम तो बहुत कमजोर थे, चलने लायक नहीं थे, इसीलिए जनता का अपार मतलब आशीर्वाद है कि हम चुनाव जीत गए। राहुल जी का एक अच्छा छवि रहा है क्षेत्र विकास को लेकर, तो क्या आप कहेंगे इस जीत के बाद विकास के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो उनका सपना था, जो अधूरे कार्य थे, उनको मुझे पूरा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये परिणाम घोषित हुआ है, इसमें 32 राउंड की गणना हुई है और इसमें अपना दल सोनेलाल
कि प्रत्याशी रिंकी कोल जी जो है 9589 मतों से निर्वाचित घोषित हुई है। सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा उनको? सर्टिफिकेट उनको बस अभी कुछ ही देर में दिया जाएगा, वो अभी यहाँ आ ही रही है। वहीं अमेठी में दो नगर पालिका और नगर पंचायत पर अध्यक्ष पदों के लिए दो चरणों में मतगणना की गई, जिसमें चारों सीटों में से तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं ज्वाइस नगर पालिका सीट अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के हक में गई, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा सूपड़ा ही साफ हो गया। आपको बता दें कि अमेठी जिले में चार विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और दो भारतीय जनता पार्टी के। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन नहीं है, इसलिए लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना खाता खोलकर आने वाले 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी टक्कर देने का संदेश दिया है। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की तारा देवी को 2117 वोटों से हराकर आते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 7105 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की तारा देवी को 4988 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ज्वाइस नगर पालिका सीट पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मनीषा को 1,01,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी वीना सोनकर को 6,555 वोट मिले। इस प्रकार ज्वाइस नगर पालिका से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मनीषा सिंह चौहान ने इतिहास रचते हुए 3,446 वोटों से जीत दर्ज कराई, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा मनीषा सिंह चौहान के चुनाव प्रचार में नहीं आया, जबकि वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी वीना सोनकर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई मंत्री ज्वाइस पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। तो फतेहपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। फतेहपुर सदर से सपा प्रत्याशी राजकुमार मौर्य ने जीत दर्ज की है, वहीं जहानाबाद से सपा प्रत्याशी आबिद हसन की जीत हुई है। पिंकी से बीजेपी प्रत्याशी राधा देवी साहू ने जीत दर्ज की है, वहीं बहुआ से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा की जीत हुई है। असोथर से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज सिंगर ने जीत दर्ज की है, हथगाम से सपा प्रत्याशी धीरेन्द्र यादव की जीत हुई है, खागा से बीजेपी प्रत्याशी गीता सिंह की जीत हुई है, ससनपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सोनकर की जीत हुई है, वहीं खखरऊ से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद केशरवानी की जीत हुई है, दाता से बीजेपी प्रत्याशी रेखा सरोज की जीत हुई है। वहीं देवरिया में दो नगर पालिका और 15 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के परिणाम देर रात 9 बजे करीब घोषित किए गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में जीत हासिल की, तो वहीं बीएसपी ने एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत में जीत हासिल की। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने 4 नगर पंचायत में जीत हासिल की, तो वहीं 4 नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन और कार्यकर्ता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करता हूं। एक एक कार्यकर्ता प्रदीप मधेसिया बनकर चुनाव लड़ा और परिणाम जिसका आप लोगों के सामने आया, माननीय सांसद जी और विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन और माननीय एमएलसी साहब ने जो मुझ पर विश्वास जताया, गौरी बिहार की देवतुल्य जनता ने उस विश्वास को खड़ा किया। मैं गौरी बिहार की देवतुल्य जनता के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम करता हूँ कि मुझ जैसे साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल गौरी बिहार में खिलाया।
वहीं सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद माधव की 1627 वोटों से जीत हुई है। बता दें कि बासी से सपा प्रत्याशी चमन की जीत हुई है, उसका बाजार से बीजेपी प्रत्याशी मंजू जायसवाल की जीत हुई है, वहीं कपिलवस्तु से सपा प्रत्याशी आरती देवी ने जीत दर्ज की है। शोरतगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी उमा अग्रवाल की जीत हुई है, बढ़ने बाजार से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील अग्रहरी की जीत हुई है, वहीं इटावा से बीजेपी प्रत्याशी विकास जायसवाल की जीत हुई है, बिस्कोहर से बीजेपी प्रत्याशी अजय गुप्ता की जीत हुई है, वहीं डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी साजिया अतीक की जीत हुई है, बढ़नीचाफा से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज वर्मा की जीत हुई है, भारत भारी से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा की जीत हुई है। गाजियाबाद में नगर निगम की शुरुआत 1995 में हुई थी। नगर निगम बनने के बाद अब तक बीजेपी का ही निगम में कब्जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, 1995 से लेकर अब तक यहां पर बीजेपी के ही मेयर रहे हैं। इसी सिलसिले को बदस्तूर जारी रखते हुए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने 2,87,656 वोटों से जीत हासिल की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी का बहुत बहुत आभार, मैं गाजियाबाद नगर निगम को इतना बेहतर कर दूंगी कि वह इंदौर से को भी पीछे छोड़ देगा। कितना विश्वास है लोगों का, जी योगी जी और मोदी जी के साथ, सब लोग विकास के लिए एक उनकी आकांक्षा होती है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेगी और सबका विकास करेगी, साथ साथ वो सब स्पर्शी पार्टी है, सब वर्गों को सुरक्षित है। बहुत बड़ी जीत है, लोगों ने समर्थन दिया है, हमारे बड़ी पुरानी कार्यकर्ता है, उसका भी बड़ा फायदा है। जनता का वोट जनता ने मैं बचपन से बहुत संघर्ष किया, जनता को बहुत बार आशीष किया है, कार्यकर्ता जो पार्टी के बदले कार्यकर्ता है, कुछ उनके काम होगा जरूर की नाले पूरी तरह साफ हो, कहाँ से पानी आता है तो योजना जिता की कि नाला पहले काटना है तो काटिए, जाली लगानी है तो लगाइए, क्योंकि जाले उसमें कूड़ा नहीं जाना चाहिए, बाजार में जागृति कूड़ा भर के। हमीरपुर जिले में मतगणना के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसको लेकर जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने जीते हुए प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। हमीरपुर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं, जिस पर 5 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया, तो वहीं 2 सीटों पर बसपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर यह ट्रिपल इंजन की सरकार हमीरपुर नगर में आप सबको देखने को मिल रही है, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में स्थानीय चुनाव को लेकर भ्रमण किया है, प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान भी किया, प्रचार भी किया है, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था पूरे प्रदेश में कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार होती है तो नगर में चौमुखी विकास होगा, और आप इन विगत 5 वर्षों में देखेंगे कि नगर अपना चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा।
वहीं ललितपुर तहसील मेहरौनी नगर पंचायत अध्यक्ष नीनम बडोनिया निर्दलीय जीत हासिल की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेहरौनी में विकास की ओर से ध्यान दिया जाएगा। मेहरौनी जनता के लिए अध्यक्ष बरौनी आने का है और उनका हर तरीके से सम्मान किया जाएगा और उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनता ने मुझे चुना, आज मेरी ही जीत नहीं मेरी सारी जनता की जीत है, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलूंगी, उनकी आभारी रहूंगी सदैव। जो मैंने जो जो कहा था वो पूरे करेंगे, जो अपना विकास बोला था मैंने वो पूरा, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ जो बोला था वो पूरा हो, सच्चाई की जीत होना है, ये बात जनता का आशीर्वाद है और ये जीत होना है। चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी खुन्नस निकालने का दौर शुरू हो गया है, जहां पर बीजेपी को वोट देना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने बीजेपी को वोट देने पर युवक की पिटाई की। बीजेपी को वोट देने से नाराज दबंगों ने युवक को मारपीट कर उसको अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिव्यापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ललितपुर के बरारी गांव के प्रधान के साथ मारपीट होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बरारी के गांव वालों का कहना है कि प्रधान के घर ललितपुर से लगभग 7 लोग मारने गए थे। उन्होंने बताया कि उन लोगों के पास हॉकी डंडा और बंदूकें थी। प्रधान के परिवार वालों के साथ काफी जमकर मारपीट की गई और महिलाओं को भी मारा गया। गांव वालों का कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और विपक्षी दल का साथ दे रही है। गांव वालों का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो मिलकर घंटा घर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम चूड़ियों की दुकान रखे तो हमारे यहाँ के रखे तो हम वहाँ पुलियों में बैठ रहे थे, चोरों पे हमारे अंदर घुस के हमारा मोबाइल छीना और दुकान तोड़ी, हम लोगों को मारा, ढक्का पीटी थी और मोबाइल छीन के वो ले गए, हमारे इतना पीटा थी। मेरा घर लूटा है, हमारे घर कोई नहीं थे पहले, हमारे मोड़ी मोरन ने ले जाकर पहले बंद कर दिया, इन लोगों ने गुंडा लुवाया, इन लोगों ने मारपीट किया है। किन लोगों ने गुंडा बुलवाया? रामलाल ने। धर्मलाल कौन है ये? धर्मलाल कुशवाहा। हम लोग गाँव के है बरारी के, प्रधान के मार्केट पर एकाएक हंगामा हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग लट हॉकी लेके और मतलब मार तोड़ कर रहे थे। हम लोग गांव करने जब आवाज सुनी तो हम लोग दौड़े। किस बात को लेके लड़ाई हो रही? हमारे को जेब कोई मालूम नहीं, अचानक वहां तो मार धाड़ हो रही थी। कितने आदमी आए थे मारने के लिए? कम से कम 100 से ऊपर थे, फोर व्हीलरें थी और मोटरसाइकिलें थी। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए, वहीं बिजली का खंभा टूटकर बाइक पर जा गिरा।
घायल व्यक्ति लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद कार सवार कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस को फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना डुमरियागंज कादराबाद रोड के असनापुर के कब्रिस्तान के पास की है। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां बेखौफ चोरों ने कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने युवक की कार को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।